ट्रैक आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए किस तरह का ट्रैक है। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा। तो कैसे आप सभी, तो देखिए आपका स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उत्पाद सिपाही का दौड़ होने वाला है यहाँ पे झारखंड में, तो यहाँ पे मेदिनीनगर में भी एक सेंटर दिया है जिसका चियाकी है दिया गया सेंटर। तो आपको अगर सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको अगर आना है तो दो तरीके हैं यहाँ पे डाल्टन आने के लिए, मतलब जिसे मेदिनीनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले ITI बस स्टैंड जाना पड़ेगा जो कि रांची में है, और वहाँ से आपको बस में बैठना है और बोलना है कि मुझे चियाकी उतर जाना है। चियाकी डायरेक्ट रास्ते में आते समय पड़ता है, जो कि अगर बस स्टैंड जाना है आपको डाल्टन के लिए तो वहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। तो बीच में ही मिलता है और आपको उतार देगा, मतलब एंट्री के होते समय ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको जो रांची रेलवे स्टेशन है, ठीक है, वहाँ से आपको पकड़ना है, और वहाँ से पकड़ने के बाद आपको रांची रेलवे स्टेशन के बाद आपको डाल्टनगंज उतर जाना है, और डाल्टनगंज उतरने के बाद वहाँ पे किसी भी ऑटो वाले से बोलिएगा कि मुझे चियाकी जाना है। और खासकर जब दौड़ होगा ना तो बहुत सारे ऐसे ऑटो वाले होंगे जो आपको खुद ब खुद यहाँ पर छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर आना है तो देख लीजिए कि किस तरह का, पहले दिखा दीजिए सर और सामने दिखा दीजिए कि कितना बड़ा ट्रैक है। आपको ट्रैक दिख जाएगा इधर इधर का दिखाइए सामने में, देख लीजिए काफ़ी लंबा ट्रैक है वहाँ तक है, क्योंकि ये मतलब हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है। देखिए हालांकि डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन इसे मतलब डेवलपिंग कार्यक्रम में रखा गया है, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैक आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ट्रैक है। और उधर भी दिखा दीजिए, लगभग मान के चल सकते हैं आप, आपके पास 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है लंबा सा, 1.5 से 2 किलोमीटर का, और शायद इसी का 2-3 चक्कर लगाना होगा, मतलब जिस तरह से कहें उस तरह से हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको किस तरह से आना है, और साथ ही साथ सामने का गेट देख लीजिए, वहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा, सामने एक शोरूम दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक शोरूम है। हालांकि मैं वहाँ पे जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सा शोरूम है, और साथ ही साथ आप मैप को हमेशा चालू रखिएगा। और देखिए कैसे, जब बस से आप आते हैं तो बस से आते समय वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपका मेदिनीनगर में स्वागत है, और वहीं पे एक एलाइड पब्लिक बीएड कॉलेज है, बस उससे थोड़ा सा आप आगे आइएगा ना, मतलब DAV कॉलेज, DAV स्कूल से आगे, तो उसके आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे ट्रैक का हाल भी देख लीजिए, थोड़ा नीचे का दिखा दीजिए, ट्रैक सीधा दिखाइएगा, देख लीजिए ट्रैक कुछ ऐसा है। यहाँ पे पहली बार ऐसा दौड़ होने जा रहा है, ठीक है, और उधर भी देख लीजिए। स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह का यहाँ पर ट्रैक है। हालांकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्योंकि चतरा वाले को भी यहाँ पर दे दिया गया है, कभी कोई कोई हजारीबाग का उनका भी दे दिया गया है, तो उनको जानकारी होना चाहिए। हालांकि जो यहाँ के होंगे, इसके आसपास के होंगे, उनको तो पता ही होगा। ट्रैक आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए किस तरह का ट्रैक है। चलिए सामने से और दिखा देते हैं आपको, काफ़ी लंबा ट्रैक है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, देखिए कुछ इस तरह का ट्रैक है, वहाँ तक दिख रहा है आपको, शायद सामने तक दिख रहा होगा, काफ़ी लंबा ट्रैक है। देखिए मैं अपने बाइक से जा रहा हूँ, लगभग 2.5 किलोमीटर का मान सकते हैं ये ट्रैक है, ठीक है। चलिए इतना मैं आपको दिखा दिया, काफ़ी लंबा है, वहाँ तक आपको दिख रहा होगा ना, मैं जूम कर रहा हूँ, वहाँ तक है। अभी हम लोग देखिए कितना पीछे है। हाँ, हालांकि आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रैक है ना वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, हालांकि बीच बीच में हेलीपैड बना हुआ है, तो कहीं कहीं पे अच्छा भी है। एंट्री जो होगा सो इधर से ही होगा, ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सामने कौन सा है शोरूम, ठीक है, माँ वैष्णो ऑटोमोबाइल है, ठीक है। सामने एक शोरूम देखने को मिलेगा, आप वहाँ से आप इंटर ले सकते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का आगे सामने सामने है, ठीक है।